दोस्तों, मेरे वाटरप्रूफिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको छत की वीडियो दिखाऊंगा कि छत पर वाटरप्रूफिंग कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पुराना ये बिल्डिंग है, पुराना मकान है, ये बंगला है, सरकारी बंगला, और बहुत पुराना है। मान के चलिए कि जब कंस्ट्रक्शन जब होता था तो पुराने समय में लोग के पास कच्चा मकान होते थे, उस टाइम का ये बिल्डिंग बना हुआ है और बहुत ही प्लान करके विधिवत बना हुआ है। पुराने टाइम में बनने के बाद इस पर वाटर प्रूफिंग का काम नहीं किया गया था, पहले वाटर प्रूफिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से पूरे छत में सीलन आ गया था, पूरे लिंटर में सीलन फैल गया था, जगह जगह पर क्रैक था और पूरा पानी कमरे के अंदर में जाता था, घर को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर हमारी कंपनी काम कर रही है, वाटर प्रूफिंग कर रही है, तो इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो हमारी कंपनी का वाटर प्रूफिंग सर्विस है पूरी दिल्ली और इंडिया में अवेलेबल है। यहाँ पर लिक्विड मेम्ब्रेन का काम किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। लिक्विड मेम्ब्रेन में ये होता है कि लिक्विड रबड़, पॉलीमर और फाइबर और सीमेंट का इस्तेमाल करके इस पर कोटिंग की जाती है। आप देख रहे हैं वीडियो में कि ब्लैक ब्लैक और व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, जो ब्लैक है ये लिक्विड रबड़ है, फाइबर को लगाया गया है लिक्विड रबड़ से, और जो व्हाइट है इसको ऊपर पॉलीमर का सीमेंट के साथ मिक्सअप करके कोटिंग की गई है। टोटल यहाँ पर 6 से 7 कोटिंग की जाएगी। 6 से 7 कोटिंग में ये होगा कि इसका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। एक बार वाटर प्रूफिंग कर दिया जाए तो मांग के चलिए कि 20 से 25 साल वो हिलता नहीं है और सीलन सीपेज आपको घर को ख़राब नहीं करता है। जब भी आप नया नया बिल्डिंग बनाइए, उस बिल्डिंग में आप क्या करें कि तुरंत वाटर प्रूफिंग कर दें। इससे ये बेनिफिट होता है कि वाटर प्रूफिंग से सीलन नहीं जाता आपके घर को, ख़राब नहीं करेगा। नया होता है तो सस्ता भी हो जाता है, बाकी पुराना पड़ चुका है आपका घर तो उस पर भी करा सकते हैं। पुराने पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वाटर प्रूफिंग करना। मान के चलिए कि अगर आपका घर आज के डेट में 20 साल पुराना हो चुका है, उस पर अगर वाटर प्रूफिंग आप पूरे बिल्डिंग में करा देते हैं तो उसका लाइफ जो है मैक्सिमम जो है 20 साल तो बिना वाटर प्रूफिंग का चला है, उसका लाइफ जो है 30 से 40 साल और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि 30 से 40 साल फिर आपको बिल्डिंग में कोई काम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम जब ही बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम लगाना होता है जब पूरा सीलन सीपेज से ख़राब हो जाता है। बिल्डिंग में अगर सीलन सीपेज नहीं आए तो उस बिल्डिंग जल्दी ख़राब नहीं होती है और आपका पैसा ही बचता है। तो इसमें लिक्विड मेम्ब्रेन का काम किया गया है। लिक्विड मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा कारीगर होता है और इसको करने के लिए एक प्रोफेशनल वर्कर ही होते हैं जो इस काम को कर पाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे केमिकल बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन आप अपने हाथ से करते हैं तो वो सफल नहीं होता और कहीं ना कहीं फेल हो जाता है।